हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस अल्फा इंटू टैन एक्स डी एक्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको इसको इजिली और क्विकली सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से जाना होगा, और वो अलग तरीका क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप टैन अल्फा को टैन एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स लिखते हैं तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि x माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है और tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, जो कि स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरीके से बहुत आराम से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये tan a माइनस b, tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में उस फॉर्मूले को लिख देती हूँ, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। फ्रेंड्स, ये टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग इस टर्म को ए माने और इस टर्म को बी माने, तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा टैन एक्स प्लस अल्फा माइनस टैन एक्स बाई 1 प्लस टैन एक्स प्लस अल्फा इंटू टैन एक्स। फ्रेंड्स, आप इस टर्म को इधर भेजें, 1 प्लस टैन एक्स प्लस अल्फा इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस अल्फा माइनस टैन एक्स बाई टैन अल्फा। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपका क्वेश्चन ये टर्म है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस टर्म को आपको लाने के लिए आपको बस 1 को उधर भेजना है, तो टैन एक्स प्लस अल्फा इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस अल्फा माइनस टैन एक्स बाई टैन अल्फा माइनस 1। फ्रेंड्स, तो फाइनली आपको वो क्वेश्चन मिल गया जो आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको आपका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस टर्म को आई माने तो आपको फाइनली जो आपको इंटीग्रेट करना है वो आपको ये टर्म इंटीग्रेट करना है। इस टर्म को आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, बिकॉज यहाँ पे जो टैन अल्फा है वो एक कॉन्स्टेंट है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस टैन अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही इजिली। तो 1 बाई टेन अल्फा आप यहां से बाहर निकाल दें, आपके पास जो बचा टेन एक्स प्लस अल्फा माइनस टेन एक्स। फ्रेंड्स, आप ये इसको एक इंटीग्रेशन मान लें, आप इस माइनस 1 को एक इंटीग्रेशन मान लें, बिकॉज 1 बाई टेन अल्फा इज मल्टीप्लाइड बाई विथ दिस टर्म ओनली, सो माइनस 1 को हमने यहाँ पे अलग कर दिया है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आप इसको कॉट अल्फा भी लिख सकते हैं, और अगर आप टेन अल्फा लिखना चाहते हैं तो आप 1 बाई टेन अल्फा के टर्म में भी छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास आया है इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस अल्फा। तो टैन एक्स प्लस अल्फा का जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है एल एन सेक एक्स। तो आप यहाँ पे एल एन सेक एक्स प्लस अल्फा लिखेंगे, सेम चीज आप इसके लिए भी करेंगे, तो जो आपके पास आएगा वो एल एन सेक एक्स आएगा। यहाँ पे माइनस 1 है जिसका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना ना भूले। आई इज इक्वल टू, फ्रेंड्स आप चाहे तो आंसर इस टर्म में छोड़ सकते हैं, और अगर आपको एल एन की प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप इस एल एन की प्रॉपर्टी से भी इसको और शॉर्ट वे में लिख सकते हैं, एल एन सेक एक्स प्लस अल्फा पाई सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये फाइनल सोल्यूशन मिल गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स जो होता है वो एल एन सेक एक्स भी होता है और माइनस एल एन कॉस एक्स भी होता है। तो अगर आप सेक एक्स के टर्म में लिखे हैं तो आपको आंसर ये मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे माइनस कॉस एक्स के टर्म में अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स लेते हैं तो आपको जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा, एल एन कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस अल्फा। फ्रेंड्स, बाकी किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ पे जो टर्म है वो बस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक माइनस साइन आता था उसकी वजह से बस ये रिवर्स हो गया। फ्रेंड्स, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन यही है, आइदर आप ये लिखो या फिर ये लिखो, आपका आंसर गलत नहीं होगा।
फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के और भी अगर क्वेश्चन है तो आप इसको बहुत ही इजीली बस फॉर्मूला बेस्ड बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।